तो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आमिर बड़ा बाबू यूट्यूब चैनल। अगर मेरे वीडियो को न्यू बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले बात किया जाए कि अगर आप 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या आपका बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है 8वीं क्लास में, तो इस आवेदन में आप लोग अप्लाई करके एक छोटा सा आप एग्ज़ाम देकर और आप साल में आप 12,000 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये बिहार सरकार का स्कीम योजना को शुरू किया गया है। तो सबसे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही निवेदन करूंगा, अगर मेरा वीडियो को न्यू बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी रिलेटेड आपको वीडियो आगे मिलता भी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह किया जाए कि इस योजना का जो नाम है NMMSS, ठीक है? तो आप फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, NMMSS, ठीक है? इस योजना के तहत आपका ये योजना का जो नाम किसके तहत हुआ है ये भी जान लीजिए। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा ये शुरू किया गया है। योजना का जो नाम रखा गया है राष्ट्रीय आय स मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMMSS, ठीक है? एकेडमी 2024-25। अगर आपके घर में अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो अगर आप 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या आपके घर में बिहार में 8वीं क्लास में कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और सरकारी स्कूल में कर रहा है, तो एक छोटा सा उसको कुछ करना नहीं होगा, एक छोटा सा उसको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है? एग्ज़ाम में देने के बाद अगर एग्ज़ाम में वह सफल हो जाता है, तो उसके बाद आपको जैसे भी 9वीं में आप लोग पढ़ाई में स्टार्ट कीजिएगा, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आपको 12,000 प्रतिवर्ष आपको लाभ मिलेगा। तो इस अच्छी तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे समझे, चलिए मैं स्क्रीन पे मिलाता हूँ। अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग गार्जियन देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलो स्क्रीन पे मिलाता हूँ। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, और बात किया जाए कि यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं स्क्रीन पे आकर आपको अच्छी तरह से डिटेल्स बाय डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ इस योजना के आप लोग लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स बाय समझाता हूँ, ठीक है? तो बात किया जाए कि इस योजना का जो नाम रखा गया है राष्ट्र शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, ठीक है? स्कीम का जो नाम रखा गया है आप स्क्रीन पे आप लोग देख सकते होंगे। इसी स्कीम का जो नाम है राष्ट्रीय आय स मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMMSS एकेडमी 2024-25 इसका रखा गया है, ठीक है? क्लास का बात किया जाए तो इस क्लास अगर आपका बच्चा क्लास 8वीं क्लास में अध्ययन पढ़ाई कर रहा है, इस योजना का लिए पात्रता है और इस योजना के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर में इसको मैं पढ़ लिया हूँ, अच्छी तरह से आप लोग इसमें भी गाइड अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस योजना में आप लोग वही लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग का बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? अगर आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है, वो भी सरकारी स्कूल में, ठीक है, ना कि प्राइवेट स्कूल में। आपको मैं क्लियर से मैं बता दे रहा हूँ, बिहार के सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास में अगर बच्चा आप लोग का पढ़ाई कर रहा है, तो इस योजना के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या रखा गया है आपको अच्छी तरह से इसको डिटेल्स बाय डिटेल्स इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें एक कुछ ये भी बताया गया है कि अगर अगर 8वीं क्लास में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो 7th क्लास का आपको 55% आपका उसमें मार्क होना चाहिए, ठीक है? और SC ST के लिए 5% के लिए छूट दिया गया है। तो मैं आपको निवेदन करूँगा कि अगर आप 7th क्लास में 55% से अगर पास है, तो ये योजना के लिए आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो दूसरी नंबर बात यह किया जाए कि इसमें आपको क्या करना होगा कि प्रति साल आपको 12,000 लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9th से 12th तक आप लोग प्रतिवर्ष 12,000 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है? इस एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद उस एग्ज़ाम में आप लोग अगर पास हो जाते हैं, पास हो जाने के बाद अब क्या होता है, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी आपको अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एक स्कॉलरशिप एक पोर्टल भी जारी किया जाएगा, तो वो आप लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप उसमें एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट की बात किया जाए कि डॉक्यूमेंट आप उसमें आपको अच्छी तरह से मैं गाइड कर दे रहा हूँ। इसमें आपको आधार कार्ड लगने वाला है, ठीक है? आधार कार्ड और आधार कार्ड के बाद आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, मेरी तरह से अच्छी तरह से आप लोग बात समझ लीजिए, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फ़ोटो और
जाति आय निवास, ठीक है। यानी आपको फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, जाति आय निवास आधार कार्ड फोटो मोबाइल ईमेल आईडी ETC आपका ये डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, तभी इस योजना के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बात किया जाए कि आपको 8वीं क्लास में आपको स्टडी आप करते हैं तभी ये योजना के लिए आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको और में जो एग्ज़ाम जो होने वाला है इस योजना एग्ज़ाम में आपको देख सकते हैं MAT और SAT में आपको 90% आएगा और 90 पूर्णांक का भी होगा, 90 मिनट का भी होगा। और जो नेत्रहीन है उसको आपको 120 मिनट के लिए मैंने एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। इसमें आपको पासिंग मार्क कुछ रखा गया, ठीक है। सामान के लिए आपको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, सामान के लिए आपको 40% मार्क लाना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और जो नेत्रहीन है उनको 32% आपको मार्क लाना होगा, तभी इस योजना के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए कि इसमें आपको ऑनलाइन ये योजना को शुरू किया गया है, योजना को शुरू किया गया है आप लोग 5/11/2024 से लेकर 1/12/2024 तक इसके लिए आप लोग योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम की बात किया जाए तो ये एग्ज़ाम आपको लेने वाला है, तो एक सेकंड में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। परीक्षा तिथि की बात किया जाए तो परीक्षा तिथि आपको 19/1/2025 में लिया जाएगा, तो आपको बड़ी से मौका दिया जा रहा है 19/1/2025 से आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। और एंसर की बात किया जाए तो 25/1/2025 को दिया जाएगा। यहाँ पर आप जो भी चीज़ है आपको अच्छी तरह से गाइड कर लीजिए, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम 19/1/2025 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम में आप लोग अगर आप लोग पास हो जाते हैं, पास हो जाने के बाद इस योजना के लिए प्रति साल क्लास 9th से लेकर 12th तक आप लोग 12,000 प्रतिवर्ष आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको कैटेगरी यही रखा गया है कि केवल आपको एग्ज़ाम देना होगा तभी इस योजना के लिए लाभ उठा सकते हैं। लगभग आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप टीचर देख रहे हैं तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप लोग स्टूडेंट को ज़रूर भरवाइए। अगर आप लड़के देख रहे हैं तो इसे आपने अच्छी तरह से इसको आप समझ ही लिए हैं तो इसको आप लोग जरूर अप्लाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।